वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, योर ब्यूटी एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडीज है या DIYs है या कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उसका यूज आपको नहीं करना चाहिए। कई बार कई ऐसे रेमेडी दिखाए जाते हैं, या तो आप गूगल पे सर्च करते हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च करते हैं, जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया होता है कि उसके प्रोस क्या क्या है, कॉन्स क्या क्या है। फायदा तो बताया जाता है, नुकसान नहीं बताया जाता है। हो सकता है इसमें से कई चीजें ऐसे जो आप खुद भी यूज कर रही हो। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे रेमेडीज है, कौन से ऐसे DIYs है जो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं, कौन से ऐसे नेचुरल चीजें हैं जो नेचुरल तो हैं लेकिन आपके स्किन के लिए, आपके बाल के लिए अच्छे नहीं है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं और वो हमारे स्किन पे और हमारे बालों पर उनका इफेक्ट किस तरह से होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन सी ऐसी नेचुरल चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजें हैं, आपके किचन में पड़ी हुई चीजें हैं जो आप अपने DIYs में कभी यूज ना करें। होता क्या है कि आजकल मैं ज्यादा तो देख रही हूँ कि DIY बनाने की अंधाधुंध दौड़ में लोग डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उसकी बातों को भी इग्नोर कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर उनको डॉक्टर्स की डिग्री मिली है तो वो ऐसी ही नहीं होती है, बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च होता है, उनकी स्टडी होती है, उसके बाद वो किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो उनकी बातों को भी गौर करें, जिसमें उनके रिसर्च में बहुत सारी बातें पता लगाते हैं कि कौन सी चीजें आपकी स्किन फ्रेंडली है, कौन सी चीजें नहीं है, कौन सी चीजें आपके बालों के लिए अच्छी है, कौन सी चीजें नहीं है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ लेमन से। तो इस लिस्ट में पहला नाम है लेमन का। आपको अजीब लगा होगा कि लेमन तो एक बहुत ही यूजफुल चीज है हमारे स्किन के लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसमें लोड्स ऑफ विटामिन सी होते हैं, स्कॉर्बिक एसिड होते हैं। जी हाँ, विटामिन सी होते हैं, विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हमारे स्किन को न सिर्फ लाइटन करती है बल्कि टाइटन भी करती है और ब्राइटन भी करती है। लेकिन एक फैक्ट और भी है कि लेमन का जो पीएच लेवल होता है वो होता है 2.5, यानी बहुत ही ज्यादा एसिडिक। हमारे स्किन का जो पीएच लेवल होता है वो होता है 4.5 से 5.5 के बीच में। तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हो। अगर आप लेमन का रेगुलरली यूज कर सकते हो तो आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है वो डिसबैलेंस हो सकता है। आपके पीएच लेवल के खराब होने की वजह से आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है, रिंकल्स जल्दी आ सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी स्किन डिहाइड्रेट भी हो सकती है। लेमन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इस वजह से अगर आप लेमन को रेगुलरली अपने फेस पे लगा रहे हैं तो आपकी जो स्किन है वो फोटो सेंसिटिव हो जाएगी। फोटो सेंसिटिव का मतलब होता है कि धूप में या फिर कहीं भी ऐसी हीट वाले जगह पे जाने पर आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है और साथ ही साथ डैमेज हो सकती है। तो इसकी जगह आप यूज करें विटामिन सी सीरम, जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है हमारे स्किन के लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होता है। हमारे स्किन को विटामिन सी सीरम की जरूरत ठीक वैसे ही होती है जैसे हमें खाने पीने की होती है। तो अवॉइड लेमन डायरेक्टली और आप यूज कीजिए विटामिन सी सीरम। इस लिस्ट में नंबर 2 है कोकोनट ऑयल। अगेन आप सरप्राइज होंगे कि कोकोनट ऑयल में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है। हर दूसरा DIY अगर आप भी देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ, उसमें फेस क्रीम हो, मॉइस्चराइजर हो, बॉडी लोशन हो, उसमें कोकोनट ऑयल भर भर कर डाला जाता है। लेकिन अगर आप इसको गहराई से देखेंगे तो कोकोनट ऑयल गले से नीचे आप यूज कीजिए, कोई बुराई नहीं है। फोरहेड से ऊपर यूज कीजिए, कोई बुराई नहीं है। यानी बालों में यूज कीजिए, बॉडी पे यूज कीजिए, अपने फेस पे यूज नहीं कीजिए। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब हमारा फेस का स्किन होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, सबसे ज्यादा डेलिकेट होता है। कोकोनट ऑयल एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल होता है, इस वजह से इसका यूज शायद DIY में बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं कि हमारी स्किन अगर ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या फिर सेंसिटिव है, तो डायरेक्टली इस तरह से कोकोनट ऑयल अगर आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं या फिर आपके क्लॉग पोर्स का रीजन बन सकता है। और अगर आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे उसके बाद ही सारी प्रॉब्लम्स हमारे स्किन पे आती है। तो इसका बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट मैं आपको बताती हूँ। आप यूज कर सकते हैं आर्गन ऑयल या फिर आप एलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही लाइट होता है और हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोकोनट ऑयल अवॉइड करें, बालों की चीज है, बालों में इसको लगाइए या फिर कभी कभी आप इसको एज अ बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं, लेकिन फेस पे इसका यूज ना करें। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। इनफैक्ट मैं बेकिंग सोडा को सबसे ज्यादा डेंजरस मानती हूँ अपने फेस के लिए, स्किन के लिए। ये हाईली एल्कलाइन होता है, इसका पीएच लेवल 9.5 के आसपास होता है और हमारे स्किन का, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएच लेवल 4.5 से 5 के बीच में होता है या 5.5 तक होता है। तो दोनों का आप लेवल देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर बेकिंग सोडा को आप फेस पे फेस लाइटनिंग के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए या फिर व्हाइटनिंग के लिए यूज करते हैं, तो आप दिमाग में रखिए कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो रही है। ये ना सिर्फ आपके स्किन को डिहाइड्रेट करता है बल्कि अर्ली जो रिंकल आते हैं वो फाइन लाइंस आपके स्किन पे बहुत ही जल्दी आएंगे।
कभी कभी हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है और हमें रीजन पता नहीं चलता, तो ये छोटी छोटी बातें उसी रीजन की तरफ इशारा करती हैं कि कुछ चीजें हम अप्लाई करते हैं वो हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है और हमें लगता है ये चीजें नेचुरल हैं तो हमारे स्किन को ये खराब कैसे कर सकती है। तो बेकिंग सोडा आप अपने स्किन पे कभी भी अप्लाई न करें, यहां तक कि अगर आपको स्किन लाइटनिंग में इंटरेस्ट है, स्किन व्हाइटनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप बहुत सारे दूसरे ऐसे ऑप्शन है जिससे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा या मे बी उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप ऑरेंज पील पाउडर यूज कर सकते हैं या फिर लिक्रिस पाउडर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फेस मास्क मैंने भी बताए हैं जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला जो आपके स्किन के लिए हार्मफुल हो, बल्कि सारी चीजें सेफ है, ट्राइड है, टेस्टेड है, वो आप चेक कर लेना। और नेक्स्ट है पीवीए ग्लू। जी हाँ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पीवीए ग्लू जिसे फर्नीचर्स बनाए जाते हैं या फिर जिसका यूज हम क्राफ्ट्स बनाने में करते हैं वो हमारे फेस पे क्या कर रहे हैं या हमारे फेस पे उसका यूज कैसे किया जाता है। मैं आजकल बहुत सारे ऐसे डीआईवाईज देख रही हूँ, चारकोल पाउडर मिक्स करके उससे पील ऑफ मास्क भी रेडी किए जा रहे हैं। होता ये है, शायद लॉजिक ये है कि पीवीए ग्लू में पीवीए होता है, तो इसी रीजन से पीवीए दोनों में कॉमन है, इस वजह से शायद ये ग्लू में चारकोल पाउडर मिक्स कर बहुत सारे पील ऑफ फेस मास्क बनाए जाने लगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पीवीए ग्लू के ऊपर जब आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो उस पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमें कंज्यूम करने के लिए हमारे लिए नहीं होता है, ना ही हमारे फेस पे अप्लाई करने के लिए होता है। और उसमें जो पीवीए होता है वो है पॉलीविनाइल एसीटेट। जो पील ऑफ फेस मास्क में पीवीए होता है वो है पॉलीविनाइल अल्कोहल। दोनों चीजें काफी डिफरेंट हैं। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको मैं बोलना चाहूंगी कि पीवीए ग्लू के साथ कोई भी डीआईवाई एक्सपेरिमेंट ना करें, अपने फेस पे यूज ना करें, वो हमारे फेस के लिए है ही नहीं। अगर आप सस्ते के चक्कर में इन चीजों को यूज कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में ये आपको बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन फिलहाल मैं इन्हीं चार चीजों पे खत्म करती हूँ कि ये चीजें आप जब भी फेस पे अप्लाई करें उसके पहले जरूर सोचें कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है। और भी कई चीजें हैं, नेचुरल चीजें जो हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए काफी अच्छी हैं, जैसे हनी। हनी आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके बालों के लिए भी अच्छा है। ये काफी जेंटल होता है हमारे स्किन पे और इसको अगर एवरीडे भी आप यूज करें तो इससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, किसी किसी को सूट ना करता हो। तो ये रहे कुछ ऐसे DIYs, कुछ ऐसी चीजें जिसका एप्लीकेशन आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा सो दैट आपको पता चल सके कि कुछ ऐसी चीजें जो लगती अच्छी हैं, लगती नॉर्मल है और सेफ लगती हैं, लेकिन वो हमारे स्किन के लिए एक्चुअली सेफ नहीं होती है, हमारे बालों के लिए वो सेफ नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे केयर एंड बाय बाय।